मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के 14 जिलों के लिए जारी किया नया आदेश। तो स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के 14 जिलों के लिए जारी किए नए आदेश के विषय में। क्या आप जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का अपडेट न्यूज मध्य प्रदेश में सबसे प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आए लाइक करें और ऐसे अधिक लोगों तक शेयर करें। आगे बढ़ते हैं अपडेट की ओर, जान लेते हैं पूरा अपडेट को विस्तार से। दर्शकों, बता दें मध्य प्रदेश के 14 जिलों में टोटल लॉकडाउन, कोरोना की बात छुपाई तो होगी FIR। तो मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने मध्य प्रदेश सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। इसी क्रम में 14 जिलों को पूरी तरह से सील किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मंत्रालय में कोरोना वायरस की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान भोपाल, उज्जैन, इंदौर की पूरी तरह से सील करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन जिलों को भी पूरी तरह से लॉकडाउन करने को कहा गया है जहां संक्रमित व्यक्ति मिले हैं। इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति ना तो अंदर जा सकता है और ना ही जिले के बाहर जा सकता है। जिला प्रशासन ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसी कोई भी व्यक्ति कोरोना रोग को नहीं छुपाएगा। यह भी बताया जा रहा है कि वह किस किस से संपर्क में आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना छुपाने पर मौत है तथा बताने पर जिंदगी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जो व्यक्ति इसे छुपाएगा उसके विरुद्ध FIR दर्ज की जाएगी तथा इलाज के बाद इसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो भी व्यक्ति कोरोना नियंत्रण कार्य में लगे लोगों से दुर्व्यवहार करता है उसके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के से प्रदेश के 14 जिले प्रभावित। दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने के निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में बाहर से राज्यों से आए तथा प्रदेश में वापस लौटे मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण की अच्छी व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में एक माइग्रेट लेबर पॉजिटिव आया है जो दूसरे राज्य से मध्य प्रदेश में आया था। इस प्रकरण में विशेष सतर्कता बरती जाए। समीक्षा के दौरान बताया गया है कि प्रदेश में अभी तक कोरोना वायरस से प्रदेश के 14 जिले प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश की कोरोना मरीजों की सर्वोच्च उपचार व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे डेथ रेट को न्यूनतम किया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि सभी प्रदेश में कोरोना डेथ रेट 7 से 7.5% तक है और इलाज के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन का फॉलो किए जाने के निर्देश भी उन्होंने दिए गए हैं।